हेलो बच्चों, मैंने आपको रस के बारे में इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है और रस के अवयव अंग क्या है, उनका विस्तारपूर्ण वर्णन किया था उसमें। अब इसके आगे हम आते हैं रस के भेद। तो आइए आज हम रस के भेद पढ़ते हैं। रस के 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और भावों को स्थाई भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। अब हम एक एक रस के बारे में पढ़ेंगे, रसों के भेदों के नाम बताऊंगी, उसके साथ उनके स्थाई भाव और संचारी भाव। आइए देखिए, पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति, संचारी भाव स्मृति हर्ष मोह। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थाई भाव है हास, संचारी भाव हर्ष चपलता लज्जा। तीसरा आता है करुण रस, इसका स्थाई भाव शोक है, संचारी भाव ग्लानि शंका चिंता। चौथा आता है रौद्र रस, इसका स्थाई भाव क्रोध है, संचारी भाव उग्रता क्रोध आदि। अब है हमारा पांचवा भयानक रस, इसका स्थाई भाव भय है, ग्लानि शंका चिंता। छठा है अद्भुत रस, इसका स्थाई भाव विस्मय है, संचारी भाव हर्ष स्मृति आदि। सातवां आता है वीर रस, इसका स्थाई भाव उत्साह, संचारी भाव आवेग गर्व आदि। आठवां है विवत्स रस, स्थाई भाव जुगुप्सा घृणा, संचारी भाव दीनता निर्वेद आदि। नौवां है शांत रस, इसका स्थाई भाव निर्वेद है, संचारी भाव हर्ष प्रसन्नता विस्मय। दसवां आता है वात्सल्य रस, इसका स्थाई भाव वत्सल है, संचारी भाव वत्सलता हर्ष आदि। ग्यारहवां है भक्ति रस, इसका स्थाई भाव है ईश्वर विषयक रति, संचारी भाव है हर्ष गर्व निर्वेद आदि। आइए अब मैं रस के एक एक भेद के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी और उनके साथ में उदाहरण भी बताऊंगी। पहला श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थाई भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, नायक व नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे देन कहे नटी जाए। यानी कि इसमें बताया है संयोग के श्री कृष्ण की मुरली को गोपियाँ छिपा देती हैं और जब वो पूछते हैं तो अपनी भौं भौं में हंस देती हैं और जब वो मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं। इस प्रकार ये संयोग श्रृंगार वर्णन। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण उठाकर ले जाते हैं, राम जंगलों में जाकर पशु पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है, तो यहाँ पर वियोग रस का वर्णन है। हास्य रस, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति विचित्र वेशभूषा अनोखी बातों चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास का अनुभव होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, ब्रशवान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता, रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थी ठटाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को एक ग्वालिन का रूप बनाकर अपने साथ ले जाती हैं और ये राधा के यहाँ पहुँचते हैं। राधा के भवन में पहुँच कर उसे अपनी सखी बताती हैं। राधा उठकर जब हंस कर उन्हें गले से लगाती है स्वागत में, तो सब सखियाँ सब गोपियाँ हंस पड़ती हैं और होली है कहकर हंसती हैं। इस प्रकार यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब तीसरा है हमारा करुण रस। प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई, रानी शोक सपानी थी। करुण रस यानी शोक में डूबना दुख में डूबना, यहाँ पर बताया है कि झांसी की रानी के पति की मृत्यु हो जाती है और रानी शोक में डूब जाती है।
रौद्र रस, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध स्थाई भाव का जन्म हो तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र यानी अत्यधिक क्रोध में भर जाना, और व्यक्ति जब क्रोध में भरता है तो उसका शरीर कांपने लगता है और एकदम आवेश में आ जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस, भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान रहता है। एक ओर अजगर ही लकी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीज ही पर्यो मूर्छा खाए। भयानक रस यानी भय, डर, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक बटोही राहगीर है जो कि रास्ते में जा रहा है, एक ओर तो उसके अजगर है सांप और एक ओर उसके शेर है, और वो बीच में है तो डर के मारे वो मूर्छा खाकर गिर जाता है, तो इस प्रकार यहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस, आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। वीर रस, युद्ध, धर्म, दया और दान, इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। वीर रस यानी उत्साह, जोश, जब व्यक्ति में उत्साह जोश आ जाता है वीर रस की उत्पत्ति है। इसके लिए कई कविताओं की पंक्तियाँ हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा है वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं, ये सब भी रस उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं विवत्स रस पर। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानी विवत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। सिर पर बैठे हो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीव स्यार अतही आनंद उर धारत, गीद जांगे को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। यहाँ पर विवत्स रस यानी घृणा, जिस दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा आ जाए या किसी बात को सुनकर मन में घृणा आए तो वह विवत्स रस है। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जबकि युद्ध में लाशें बिछी हुई हैं और कौआ उन लाशों के सिर के ऊपर बैठा है, आँख निकाल कर खा रहा है, स्यार उनके जांघों को खोद खोद के खा रहा है, कुत्ते उनकी उंगलियाँ को निकाल निकाल कर खा रहे हैं, तो इस प्रकार मन में जब घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ विवत्स रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस, संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। जब व्यक्ति को इस संसार में शांति का अनुभव होता है, उसका मन शांत हो जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति है। इसमें जैसे बताया कि यदि व्यक्ति एक ईश्वर की आराधना करता है तो उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। और भी इसके उदाहरण हैं, गजदन गोदन बाजदन और रतनदन खान, जब आवे संतोष दन सब दन दूरी समान, यानी शांत रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सके संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, मैया मोरी मैंने माखन खायो, किलकत कान घटुडन आवत। वात्सल्य रस बचपन के किसी बच्चे के बचपन की क्रीड़ाओं का वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस है। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के वात्सल्य का बहुत अच्छा वर्णन किया है, श्री राम का वात्सल्य वर्णन है, तो ये सब हमारे वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। भक्ति रस, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम स्थाई रूप में मानव संसार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। भक्ति रस, सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तब भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मीरा बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, यानी श्री कृष्ण कहते संसार में उसको और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों अब यहाँ रस का विषय तो पूरा समाप्त हो चुका है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। प्रश्न, रस के कितने भेद होते हैं?
रस राज किसे कहा गया है। श्रृंगार और हास्य रसों के स्थाई भाव लिखिए। वीर रस का लक्षण स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए, अर्थात जितने भी यहाँ काव्यांश दिए हुए हैं उनमें आपको ये बताना है कि कौन सी पंक्तियों में कौन सा रस है। पहला, बलिहारी गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सेकंड है, हाय फूलसी कोमल बच्ची हुई राग की थी ढेरी। थर्ड, सिखवत चल यशोदा मैया। फोर्थ, नैनों को रोने दे मन तू संकीर्ण बन, प्रिय बैठे हैं आँखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं वहीं बैठे हैं। पाँचवा, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। छठा, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके आधार पर लिखने हैं। साथ में मैं नोट्स भी दे रही हूँ, उनको अपनी व्याकरण कॉपी में उतारना है और इन सब प्रश्नों का उत्तर भी उसमें रखना है। तो पहली वीडियो के इस वीडियो को दोनों को मिलाकर रस विषय पूरा पूर्ण हो चुका है, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है।